अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग को आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, वो इसीलिए क्योंकि मैं पहली दफ़ा अम्मी के व्लॉग में वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज अम्मी काफ़ी बिज़ी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो ये आज हफ्ते का दिन था, सुबह सुबह का टाइम था, हम लोग सब आज देर से उठे थे। तो उसके बाद अम्मी सुबह सुबह यहाँ पे परिंदों को बाजरा डालती हैं, पानी भी डालती हैं, तो यहाँ पे परिंदे आके रोज़ाना खाना खाते हैं सुबह सुबह। और छोटी बहन नबीहा वो यहाँ पे खड़े होकर इन लोगों को देखती भी है। तो ये लोग इस तरीके से सब खा रहे होते हैं। उसके बाद नबीहा के पेपर्स होने वाले थे तो अम्मी उसको बैठ के पढ़ा रही थी, पढ़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, उर्दू पढ़ा रही थी अम्मी उसको। तो वो आज सही से बैठ के पढ़ रही थी आराम से। उसके बाद आज अम्मी को ज़ैनब मार्केट जाना था किसी काम से, तो मैंने कहा मैं अम्मी के साथ चलती हूँ। आज हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ग्रीन लाइन से ट्रैवल किया था। ये बहुत कन्वीनियंट था और बहुत ही कम कॉस्ट लगी थी। 35 रुपीज़ का इसका टिकट था। कार्ड बनवा लिया था हम लोगों ने, तो हम बहुत आराम से, बहुत ईज़ीली हम ज़ैनब मार्केट तक पहुँच गए थे। इसके अलग अलग स्टॉप्स थे, लास्ट स्टॉप इसका नुमाइश था। हम नुमाइश के पास उतरे थे, वहाँ पर थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ा था। उसके बाद एक रेड बस आई थी, वो भी इसी तरीके से थी, ग्रीन बस की तरह ही, बहुत कन्वीनियंट, बहुत साफ़ सुथरी थी, बहुत ईज़ीली, बिना किसी किसी भी उसके हम लोग पहुँच गए थे आराम से। तो रेड बस का भी टिकट बहुत ही सस्ता सा था, इतने ही मेरे ख्याल से 55 या 50 रुपीज़ का वो भी टिकट था। वो भी हम बहुत आराम से पहुंच गए थे ज़ैनब मार्केट। फिर वो रेड बस ने हमें डायरेक्टली ज़ैनब मार्केट पर ही उतारा था। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप्स हैं, जैसे ग्रीन बस के हैं बिल्कुल उसी तरीके से उसके भी डिफरेंट डिफरेंट वो हैं स्टॉप्स। तो ये देखिए, ये एक स्टॉप था उसका ग्रीन बस का, ये यहाँ पर रुकी थी। ये देख सकते हैं आप स्टॉप कितना इसका साफ़ सुथरा है। अच्छा, तो आज हमारा घर का नॉर्मल रूटीन वाला खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो हमने अम्मी से पूछा कि हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो आज अम्मी की हेल्प से मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। सबसे पहले यहाँ चिकन की मैरिनेशन की थी, इसमें अदरक लहसुन नमक लाल मिर्ची काली मिर्च और ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड किया था। ये सब ऐड करके इसको मैरिनेट करके एक साइड पर रख दिया था। और ये इसमें थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस भी डाली थी, ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। उसके बाद पिज़्ज़ा की जो पिज़्ज़ा सॉस होती है वो भी इस बार हमने घर पे बनाई थी। 3 से 4 टोमेटोज को ब्लांच करके इस तरीके से पीस लिया था और उसको एक पैन में डाला। उसके बाद इसमें टमेटो केचप, बारबेक्यू सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, किसी भी ब्रांड के आप पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड के टमेटो केचप वगैरह किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, वो सब मैंने इसमें ऐड किया था। ये देखिए, ये बारबेक्यू सॉस थी, चिली गार्लिक सॉस भी हमने इसमें ऐड की थी, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हमने पका लिया था। इतना पकाना है आपने इसको कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो जाए और थोड़ा सा थिक सी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए। इसमें और कोई मसाले वसाले कुछ भी नहीं गया था, बस इस तरीके से देखिए ये कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट थी। इस पॉइंट पर मैंने चूल्हा बंद करके इसको एक प्याले में निकाल के अलग कर दिया था। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पिज़्ज़ा में, होता है पिज़्ज़ा की डो। उसके लिए मैंने ले लिया था मैदा, थोड़ा सा आटा लिया था इसके अंदर चक्की का जो नॉर्मल आटा होता है, नमक लिया था हमने, बेकिंग सोडा लिया था, ईस्ट लिया था जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, एक अंडा ले लिया था साबित, थोड़ा सा ऑयल लिया था हमने इसमें और थोड़ा सा दूध लेके इसको नॉर्मल टैप वाटर से हमने, लूक वार्म वाटर से हमने इसको गूंद लिया था। ये थोड़ा सा सॉल्ट डाला मैंने। अच्छी तरीके से इसको गूंदना है ताकि ये बहुत सॉफ्ट और अच्छा सा हमारा डो तैयार हो जाए। ये देखिए, ये डो तैयार होने के बाद जो इसका मेन स्टेप था, मेन जो इसका पार्ट था, वो अब ये है कि हमें इसको इस तरीके से अपने किचन के स्लैब पे हमें इसको इस तरीके से रब करना है और इसको ऐसे पटकना है ताकि उसके जो ईस्ट के बबल्स हों, एयर बबल्स हों, वो सारे निकल जाएँ और हमारा डो बहुत सॉफ्ट और अच्छा सा राइज हो जाए। ये देखिए, इसको इतना करना है कि मेरा डो अच्छा और स्मूथ हो जाए, बिल्कुल रफ ना रहे, टेक्सचर इसका बहुत स्मूथ सा हो जाए। ये देखिए, डो बिल्कुल स्मूथ हो गया था। अब इसको एक
प्याले में रखा, इसको ग्रीस किया थोड़ा सा और कवर करके गर्म जगह पे रख दिया। आप ओवन में रख लें या चूल्हे के पास रख लें, किसी भी जगह पे आप इसको, किसी गर्माहट मिले इसको, वहाँ पे आप रख दें, कवर करके रखिएगा। उसके बाद चिकन को थोड़े से ऑयल में पका लिया, मैरिनेट करके जो चिकन रखी थी उसको पका लिया। बिल्कुल पानी वानी कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ इसमें ऑयल जाएगा और इतना पकाने के वो ड्राई हो जाए। ये देखिए डो भी मेरा अच्छे से राइज हो गया था। इसको एक दफ़ा और नीट करना है हमें, ताकि थोड़ा सा बैठ जाए हमारा डो। इसके बाद इसके से मैंने क्वार्टर्स कट किए। आप चाहें तो, अगर आप बड़ा पिज्ज़ा बना रहे हैं तो पूरा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने छोटे बनाए थे इसलिए मैंने इसको कट कर लिया था। इसको अब मैं बेलूंगी, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं बेलना हमें और बहुत ज़्यादा इसको हमें मोटा भी नहीं रखना, नॉर्मल हमें इसको मैदे के साथ बेल लेना है। बहुत हार्डली नहीं बेलेगा, सॉफ्ट हाथों से बेलेगा, ताकि हमारा जो पिज्ज़ा की जो क्रस्ट होगी वो अच्छी बने। इसके बाद ये देखिए टू फिंगर्स के साथ मैं इसकी क्रस्ट तैयार करूँगी, फिर फोर्क से हम इसका पूरा बीच का प्रिक कर लेंगे। उसको मैंने एक सॉस पैन में रखा हुआ है, अब मैं इसको चूल्हे पे रख के दोनों साइड्स जो होंगी उसकी मैं थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सेक लूंगी, कि थोड़ा सा नीचे कलर आ जाए। ये देखिए इस तरीके से, इससे आपका पिज्जा बहुत जल्दी बन जाता है। सिर्फ ओवन में डाल के आपको उसकी चीज मेल्ट करनी होती है आपको उसको, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसकी सॉस प्रिपेयर करूँगी, रैंच सॉस जाएगी इसमें। ये मैंने पिज्ज़ा सॉस ली है अपनी, आप अपने उसके हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद इसमें क्रीम जाएगी, दूध जाएगा इसमें थोड़ा सा, मेयोनीज जाएगी इसमें। आप क्वांटिटी को अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं, आपको कितनी सॉस बनानी है, अगर ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, कम बनानी है तो आप कम ले सकते हैं। इसमें मस्टर्ड सॉस जाएगी, और लास्ट में इसमें जाएगा चिकन पाउडर जाएगा। चिकन पाउडर से बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है, और थोड़ी सी चीनी भी जाएगी इसमें। सॉल्ट जाएगी एज पर टेस्ट। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें क्रीम चीज़ भी जाएगी, अगर आपके पास क्रीम चीज़ लिक्विड में, मतलब तो सॉस में मौजूद हो, तो आप उसको उस तरीके से डाल सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम चीज़ के क्यूब्स हैं, जैसे मेरे पास क्रीम चीज़ के क्यूब्स थे, तो मैंने उनको मैश करके डाल लिया था और मिक्स कर लिया था अच्छी तरीके से। उसके बाद हम करेंगे पिज्ज़ा की असेंबलिंग। ये ब्रॉडवे का पिज्ज़ा हमने प्रिपेयर किया था, हमने बनाया था, तो उसकी रैंच सॉस थी। इस सॉस को डो के ऊपर अच्छे से हम लगा लेंगे। इन दोनों डोज़ को मैंने थोड़ा थोड़ा सेक लिया था दोनों साइड से। इसमें मैं चेडर चीज़ बेस पे चेडर चीज़ डालेंगे हम। उसके बाद जो प्रिपेयर्ड चिकन थी वो डालेंगे हम। टॉपिंग्स जो है आप अपनी मर्जी से चेंजिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा में तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको हटानी है तो हटा भी सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, और अगर हटाएंगे तो फिर क्या हटाएंगे। ये देखिए इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ डाली, चेडर चीज़ भी डाली थोड़ी थोड़ी, चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। उसके बाद ये शिमला मिर्च रखी मैंने, प्याज रखी। अच्छा, जो ब्रॉडवे का ये वाला पिज्ज़ा होता है, ये टार्जन पिज्ज़ा था, इसके अंदर टमेटोज़ नहीं जाते, तो इसलिए मैंने टमेटोज़ नहीं डाले थे। आप अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। देखिए दूसरा पिज्ज़ा भी मैंने उसी तरीके से रेडी कर लिया। शिमला मिर्च रखी मैंने, शिमला मिर्च हम लोग ज़्यादा खाते नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी डाली थी। अगेन आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए दोनों पिज्ज़ा रेडी हो गए। अब मैंने जो इसकी क्रस्ट होती है, आपने पिज्ज़ा की क्रस्ट देखी होगी, मॉइस्ट होती है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होती। तो मैंने ऑयल लिया था, ऑयल के अंदर थोड़ा सा गार्लिक मैंने क्रश करके ऐड किया था, और उसको मैंने साइड में अच्छी तरीके से ब्रश कर लिया था। ये देखिए अच्छे से ब्रश कीजिएगा उसको, ताकि क्रस्ट ड्राई ना रहे।
उसके बाद ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बेक होके आया था। क्रस्ट देखें आप कितनी अच्छी बनी है। उसके ऊपर जो रैंच सॉस बची थी वो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर ड्रिजल कर ली थी। हम लोगों ने तो पिज्ज़ा बहुत एंजॉय किया, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों का आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की रेसिपी भी आप लोगों ने एंजॉय की होगी। आप लोग ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा आप लोग और क्या देखना चाहेंगे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।